एक बार चाणक्य के घर एक ज्योतिषी आए तो चाणक्य की माँ ने उनसे पूछा कि मेरे बेटे का भविष्य क्या है। तो ज्योतिषी ने कहा कि इसके भविष्य में राजयोग लिखा है और ये आगे चलकर देश का बड़ा प्रधानमंत्री बनेगा। अब माँ सोचने लगी कि अगर ये प्रधानमंत्री बन गया तो मुझे भूल जाएगा। तो उन्होंने ज्योतिषी से पूछा कि आप ये कैसे कह सकते हैं कि मेरा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। तो ज्योतिषी ने कहा कि अगर आपको इस बात की पुष्टि करनी है तो अपने बेटे के सामने वाले दांत को देखना, उस पर एक नागराज का चिन्ह जरूर होगा। माँ ने तुरंत चाणक्य को बुलाया और देखा तो हूबहू उसके दांत पर वही चिन्ह था जैसा कि ज्योतिषी ने कहा था। ये देखकर माँ रोने लगी और बोली कि बेटा अगर तू आगे चलकर राजयोग से प्रधानमंत्री बन जाएगा तो मुझे भूल जाएगा। इतना सुनते ही चाणक्य ने पत्थर उठाकर उस दांत को ही तोड़ दिया और कहा, मां तेरे लिए मैं ऐसे हजारों राजयोग त्याग सकता हूं। जो इस बात को सिद्ध करता है कि चाणक्य को सत्ता का बिल्कुल भी लोभ नहीं था और शायद इसीलिए वो इतने महान राजनीतिज्ञ होने के बावजूद भी कभी राजा नहीं बने। गाइस, आपको ये नॉलेजेबल कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा और ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। मिलते हैं अगली वीडियो में।